हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों, और खुशखबरी नहीं, खुशखबरी ही खुशखबरी आज निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरा दोस्तों यहाँ पर भर्ती को लेकर, पुरानी भर्ती को लेकर, नई भर्ती विज्ञापन को लेकर दोस्तों, जिसमें अड़चन थी, जो रुकी हुई थी भर्तियाँ, उनको लेकर हर चीज़ पर लेकर यहाँ आज खबर निकल के आ रही है। वीडियो को पूरा देखे, बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है आज सभी छात्रों को। आज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं जल निगम में 800 पदों पर विज्ञापन। दोस्तों दूसरी जो खबर है वीडियो भर्ती 2018 के परीक्षा को लेकर, तीसरी खबर है परीक्षा कैलेंडर को लेकर, और चौथी खबर है यूपी ट्रिपल एससी की जो नई परीक्षा तिथियां हैं, जिनकी परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई, उनकी एग्जाम डेट क्या हो सकती हैं। साथ साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर है, वीडियो में आगे बढ़िए बताने वाला हूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक किया बिना मत जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि पीईटी में आप बिल्कुल कमी ना लाइए, क्योंकि पीईटी ही एक ऐसा रास्ता है जिसको पास कर आप आगे लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। तो सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए, जो आपके पास समय है वो पीटी की तैयारी करने में लगाइए। सिलेबस जारी हो चुका है, केवाईसी प्रक्रिया शुरू है, इसके बाद में पीटी के लिए आवेदन शुरू होगा। तो आप लोग इन चीजों में मत पड़िए, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए। बी टॉपर की तरफ से बहुत अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया पीटी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। कीमत की बात करें तो बहुत कम कीमत, मात्र 99 रुपीज़ में क्रैश कोर्स आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। कीमत कम रखी गई है ताकि सभी छात्र खरीद सके इसको। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमत कम है तो ये वन लाइन की पीडीएफ फाइल है, जी नहीं, वन लाइन की पीडीएफ फाइल नहीं है। ये आपको महंगे महंगे पेड कोर्स जो कोचिंग क्लासेस में प्रोवाइड किया था, वो सारे कंटेंट इसमें दिए गए हैं ताकि सभी छात्र इसको खरीद सकें और पढ़ सकें, अपनी तैयारी शुरू कर सकें। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में चैप्टर वाइज सब कुछ दिया गया है, और वीडियो क्लासेस के लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप महंगे महंगे पेड कोर्सेज कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो इस क्रैश कोर्स से आप बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और बहुत सारे छात्र मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, लेखपाल के लिए ही वो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका लेखपाल का भी सिलेबस कवर होता रहा, इसलिए लेखपाल का भी पूरा सिलेबस इसमें कवर कर दिया गया, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की जा रही है। मात्र 99 में ही आपको दोनों क्रैश कोर्स एक ही साथ मिल रहा है। तो लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, मात्र 2 दिन इसका टाइम है, आप 99 में खरीद सकते हैं। तो लिंक नीचे दिया गया, सबसे ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जाइए खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दे भाई। 99 बहुत ज्यादा कीमत नहीं, इसे महंगे महंगे बुक्स आप मार्केट से लेकर आते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आप बेसिक लेवल की तैयारी करने के लिए इस क्रैश कोर्स को जरूर परचेज करें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आते हैं खबर पर, बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर आप लोग यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ हिंदुस्तान की कटिंग है, हिंदुस्तान ही नहीं कोई और पेपर उठाकर देख लीजिए, अमर उजाला वगैरह में देख लीजिए, यही खबर निकली हुई है। अवसर जल निगम में AE और JE समेत 840 पदों पर शुरू होगी भर्ती, देख सकते हैं ये अमर उजाला का है। जल निगम में 800 पदों पर भर्ती होगी, तो सभी में ये खबर निकली हुई है। पूरी खबर आपको पढ़कर मैं सुना दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। जैसे जल निगम के तकनीकी स्टाफ की बड़ी कमी को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। अभियंताओं की 740 व लिपिक संवर्ग के 800 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। जल निगम के कुल 13,317 पदों पर में 4,300 पद खाली चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमी अवर अभियंताओं की है, कुल 2,517 पदों में 1,544 खाली पड़े हैं, महज 953 अवर अभियंता ही कार्यरत हैं। सहायक अभियंताओं के 797 पदों में 209 पद खाली हैं। इसी तरह अधिशासी अभियंता के 194 में 88 व अधीक्षण अभियंताओं के 151 पदों में 116 पद रिक्त पड़े हैं। अगले 5 वर्षों में 2,045 पदों और रिक्त हो जाएंगे। जल निगम के प्रबंधक निदेशक अनिल कुमार तृतीय ने पत्रकारवार्ता में बताया कि तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए सहायक अभियंता के 80 व सहायक अभियंता के 18 कुल 98 पदों पर, अवर अभियंता के 518 व अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक के 124 पदों कुल 642 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोग कहेंगे कि अभी कुछ नहीं आएगा, चुनाव में आचार संहिता लगा, इसके चलते अभी मैं उसका प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे आएगा, शासन ने क्या कहा इस भर्तियों को लेकर, चुनाव आचार संहिता को लेकर। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर में, देख सकते हैं भर्ती में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू। जी हाँ दोस्तों, जो 10% आरक्षण को लेकर यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी भर्तियां लंबित थी उनको लेकर दोस्तों यहाँ पर आज फैसला सुना दिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अन्न सेवाचरण आयोग को पत्र लिखकर स्थिति साफ कर दी है। 1 फरवरी 2019 या इसके बाद भर्ती के लिए जो भी विज्ञापन जारी हुए हैं और परीक्षा नहीं हुई है इनमें इसका लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आपका होने वाला है इसमें भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। बोरिंग टेक्नीशियन वाले में भी दिया जाएगा। जितनी भी नई परीक्षाएं भर्तियां आई थी 2019 या इसके बाद, ठीक है, उन सभी में लागू होगा जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई अभी, तो लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अन्न सेवाचरण आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि कार्मिक विभाग द्वारा स्थिति साफ की जाने के बाद जो भी विज्ञापन निकाला है और उसकी परीक्षा नहीं हुई है उसमें आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण देने के संबंध में जल्द ही शुद्धि पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर पात्रों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जितने भी परीक्षाएं अभी नहीं हुई है 2019 के बाद विज्ञापन निकाले गए हैं उन पर 10% आरक्षण उन सभी छात्रों को लाभ दिया जाएगा। तीसरी खबर देख सकते हैं, कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पदोन्नति कोटे के खाली पदों पर जल्द भरा जाएगा पद। सरकारी विभागों में पदोन्नति कोटे के खाली पदों को अभियान चलाकर भरा जाएगा। कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि उनके यहाँ पदोन्नति कोटे के जितने भी पद खाली हैं उसे भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। आचार संहिता अगर प्रभावित हो रही है तो ऐसे मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर उस पदों को भरा जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि पदोन्नति कोटे के पद भरने के बाद नीचे के पद खाली होंगे और इन पर नए लोगों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप सभी छात्रों के लिए कि यहाँ पर पदोन्नति होने के बाद भी बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे, उन पर पदों पर भर्तियाँ निकाली जाएंगी जो लंबे समय से भर्तियाँ नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में। देखिए एसआई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, आप सभी को पता है, मैंने वीडियो भी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल पर मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जल निगम में 800 पदों पर भर्ती जल्द होगी। ये आपका जो अमर उजाला का खबर निकल के आ रहा है, लंबी 4 भर्तियों में मिलेगा आर्थिक आरक्षण। देखिए कितने भर्तियों में आरक्षण मिलेगा ये आयोग ने बता दिया है जब कार्मिक विभाग ने इसको साफ कर दिया इस मामले को। देख सकते हैं इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा आयोग। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन 7 नवंबर 2016 को पद विज्ञप्ति लिखित परीक्षा होनी है इसकी। जेई वगैरह की जॉब की फंसी पड़ी है। सम्मिलित अभियंता एवं उप वस्तुविद सामान्य प्रयोगात्मक परीक्षा 2016 का इसका भी परीक्षा कराया जाएगा। सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फायरमैन का 2018 का जो पद है इसकी भी परीक्षा अभी नहीं हुई है, इसको भी लागू किया जाएगा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग 2018 में 28 दिसंबर 2018 को पद विज्ञप्ति आया था, उसमें भी 4 भर्तियों पर दोस्तों ये जो नया नियम लागू हुआ 10% आरक्षण वाला ये लागू कर दिया जाएगा। उन सभी छात्रों को दिया जाएगा मौका, आवेदन कर चुके हैं लेकिन परीक्षाएं नहीं, तो आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों वीडियो भर्ती को लेकर दोस्तों, तो यहां पर जानकारी मिल रही है कि वीडियो भर्ती को लेकर दोस्तों यहां पर जल्द ही आयोग एक नोटिस जारी करेगा और एक परीक्षा कैलेंडर भी आयोग जारी करने वाला, जिसमें जितनी भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई उनकी नई परीक्षा तिथि, नई परीक्षा मंथ बताया जाएगा और साथ साथ वीडियो के एग्जाम को लेकर भी यहां पर आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी खबर आज निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इस क्रैश कोर्स को खरीदना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से खरीद को पढ़ना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।